हरियाणा के बल्लभगढ़ में छात्रा निकिता तोमर का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। छात्रा की कल उसके कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के दोनों आरोपियों तौसीफ और रेहान को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी तौसीफ ने पुलिस के सामने गुनाह कबूल करते हुए कहा है कि उसने निकिता को इसलिए मारा क्योंकि वो किसी और से शादी करने वाली थी। सूत्रों का कहना है कि पुलिस निकिता और तौसीफ की कॉल डिटेल्स की जांच कर रही है। घटना के विरोध में निकिता के परिवार ने नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन किया। परिवार ने आरोप लगाया कि लव जिहाद के लिए निकिता की हत्या हुई। 2018 में भी वो उस पर प्रेशर बनाता था कि धर्म परिवर्तन कर ले, शादी का प्रेशर बनाता था जब उसे ले गया था किडनैप करके। और अब भी सर वो गाड़ी से निकलते ही उससे बोल धर्म परिवर्तन के लिए उसने फोर्स किया उसको, जब वो नहीं मानी तो उसने उसे गोली मार दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। फरीदाबाद पुलिस ने मामले की जांच के लिए SIT बनाई है। परिवार ने SIT कॉन्स्टिट्यूट के लिए कहा था, SIT कॉन्स्टिट्यूट के लिए परिवार को आश्वासन दे दिया है और इन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट से ट्रायल की बात कही है, उसके लिए भी हम लोग उनको विश्वास दिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी निकिता तोमर की हत्या के मामले में संज्ञान लिया है और हरियाणा के DGP को पत्र लिखा है। हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर की हत्या को विश्व हिंदू परिषद ने जिहादी मानसिकता बताया है। VHP के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने सरकार से कार्रवाई की मांग करते हुए धर्मांतरण के लिए कानून बनाने की मांग की है। हरियाणा में जब तक धर्मांतरण पर कानून नहीं आएगा, लव जिहाद को रोकने के लिए कानून में उचित संशोधन नहीं होंगे, तब तक इस तरह की घटनाओं को रोक पाना मुश्किल होगा। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए महिला सुरक्षा के बदहाल होने का आरोप लगाया है। चाहे वो UP हो, हरियाणा हो, कहीं भी हो, देश के किसी भी राज्य में हो, मतलब सरकार और पुलिस प्रशासन का कोई डर किसी भी आरोपी के अंदर नहीं है, ये बात तय है। महिला सुरक्षा पे ये सरकार बिल्कुल विफल है। BJP ने भरोसा जताया है कि परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। जांच के बाद जो भी इसमें और भी लोग जो इन्वॉल्व होंगे उनकी धरपकड़ की जाएगी और सर परिवार को न्याय मिलेगा और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार है उसको दंडित किया जाएगा सरकार द्वारा, ये पक्की बात है। आप क्या काम करती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरा देश रेड़ी पटरी वालों के श्रम का सम्मान करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज PM स्वनिधि योजना के तहत मदद पाने वाले उत्तर प्रदेश के रेहड़ी पटरी वालों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। उन्होंने कहा कि रेहड़ी पटरी वाले देश की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। यही हमारे देश की ताकत है, इन्हीं लोगों से देश आगे बढ़ता है, इन्हीं के प्रयासों से देश आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि घपले घोटाले करने वालों ने बेईमानी का सारा ठीकरा गरीबों के सर फोड़ने की कोशिश की। राजनीति करने वालों ने देश में ऐसा माहौल बना दिया था कि गरीब को लोन दे दिया तो पैसा लौटाएगा ही नहीं, ऐसा एक हवा बना दी थी। खुद घपले घोटाले और कमीशनखोरी करने वालों ने हमेशा बेईमानी का सारा ठिकरा गरीबों के ही सर फोड़ने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी ने लाभार्थियों को नसीहत देते हुए कहा कि समय से कर्ज अदायगी पर 7% की ब्याज से छूट मिलेगी और डिजिटल लेन देन में 100 रुपए प्रतिमाह कैशबैक के रूप में मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देश भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज ये गर्व के साथ कहा जा सकता है कि घोटालों वाले दौर को देश पीछे छोड़ चुका है। DBT के माध्यम से गरीबों की मिलने वाला लाभ 100% गरीबों तक सीधे पहुंच रहा है, उनके बैंक खाते में पहुंच रहा है। अकेले DBT की वजह से 1,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा गलत हाथों में जाने से बच रहे हैं। सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार का वंशवाद दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश के सामने भ्रष्टाचार का वंशवाद बड़ी चुनौती बन गया है। बीते दशकों में धीरे धीरे बढ़ते हुए अब देश के सामने एक विकराल लूप रूप ले चुकी है। ये चुनौती है भ्रष्टाचार का वंशवाद, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हुआ भ्रष्टाचार, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का ये वंशवाद देश को
दीमक की तरह खोखला कर दिया है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानून में बड़ा संशोधन किया है। इसके मुताबिक अब देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में अपने घर या कारोबार के लिए जमीन खरीद सकता है। हालांकि खेती के लिए जमीन खरीदने पर रोक जारी रहेगी। गृह मंत्रालय ने नई अधिसूचना जारी कर दी है। कृषि भूमि जो है वो किसानों के लिए आरक्षित रखी गई है, कोई इसमें बाहरी नहीं आने वाला। जो इंडस्ट्रियल एरियाज हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जरूर हम चाहते हैं यहाँ भी देश की तरह, देश के अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी अच्छी इंडस्ट्री आवे, ताकि यहाँ का विकास हो, डेवलपमेंट हो और युवाओं को रोजगार मिले। हालांकि इस नए आदेश पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा है कि जम्मू कश्मीर बिक्री के लिए तैयार है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।